हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। माय मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मेरे पास सैमसंग का एक फोन है, सैमसंग M30s, AFRP में है। तो पहले जो भी AFRP का पैच था, उससे हम जब भी कर रहे थे तो सब कुछ लिया, लेकिन ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो चलिए, आज हम आपको यही दिखाएंगे सैमसंग का फोन में लेटेस्ट सिक्योर में जो ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, उसका अनलॉक कैसे किया जाता है या फिर उसका बाईपास कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये मेरे पास सैमसंग का सेट है, सैमसंग M30s। इस मेथड के जरिए आप सैमसंग का कोई भी फोन को जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है उसको आप FRP बाईपास कर सकते हैं। देखिए, हम पहले तो दिखा दे रहे आपको, ये FRP में है। देखिए, हम सिम खोल के रखे हैं, यहाँ पर वाईफाई मांग रहा है और स्किप ऑप्शन है नहीं, निक्स भी है नहीं, तो ये FRP में है। तो पहले तो आपको करना ये पड़ेगा, आपका वाईफाई जो है वाईफाई के साथ मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। आपका वाईफाई का जो भी पासवर्ड होगा, और देखिए आप आराम से इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, मेरा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया। सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा अभी, अभी फोन को सिर्फ फोन का USB केबल जो है उसको लगा के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं फोन का USB केबल लगा के कंप्यूटर के साथ फोन कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और आपको लेके चलते हैं सिस्टम में। देखिए, हम अभी आपको लेके जा रहे हैं कंप्यूटर पे। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर पे। अब देखिए, यहाँ पर गैलेक्सी M30 शो कर रहा है। और एक बार दोस्तों, आपका सिस्टम में ड्राइवर होना जरूरी है। आपका सिस्टम में अगर ड्राइवर होगा नहीं तो सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा। देखिए, ये जो टूल है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर सिंपली ये करना है, बाईपास एक बार पे क्लिक करना है और ओके कर देना। देखिए, यहाँ पर फोन का वर्जन जो भी है टोटल इन्फॉर्मेशन को दे देगा, मॉडल कौन सा है, क्या है ना है। बस कंप्यूटर में काम मेरा इतना ही था, और मोबाइल पे देखिए, मोबाइल का ऑलरेडी व्यू का ऑप्शन आ चुका है। चलिए, आपको फिर से लेके चलते हैं सिस्टम पे, सॉरी मोबाइल पे। देखिए, मेरा जो मोबाइल का व्यू का ऑप्शन है वो आ चुका है। सिर्फ सिंपल यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए, वो डायरेक्टली पहले YouTube खोला और ऑटोमेटिकली वो चला गया ब्राउजर पे। चलिए, हम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, नो थैंक्स कर दिए। देखिए दोस्तों, मेरा गूगल जो है ओपन हो गया है, और मैं इसमें पहले से टेक्नोकेयर डाउनलोड करके रखा था। देखिए, हम जब भी टेक्नोकेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है सिक्योर रीजन पर्पस ऐप नॉट इंस्टॉल। देखिए, ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है। जब भी हम नीचे सेटिंग में क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए, ये मेरा ऐप इंस्टॉल हो नहीं रहा है। सिंपल अभी क्या करना होगा, अभी ये टोटली नया ट्रिक्स है दोस्तों। पहले आप सर्च कीजिए mymobilesolution.in। देखिए, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, और साइड में देखिए, हम स्पेलिंग में देख रखे हैं mymobilesolution.in। जब भी सर्च करेंगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और एक बार दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा, अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ही आप न्यू मेथड का अनलॉकिंग सीख पाएंगे, कैसे बाईपास को सीख पाएंगे। देखिए, हम mymobilesolution का वेबसाइट में चले आए, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है FRP पर क्लिक कीजिए। देखिए, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ओपन सैमसंग गैलेक्सी स्टोर, इसको आप क्लिक कीजिए, सैमसंग गैलेक्सी स्टोर ओपन हो जाएगा। वेबसाइट जो सैमसंग का ऑफिशियल वो ओपन हो जाएगा। देखिए, आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर जो है इसको आप क्लिक कीजिए सैमसंग। देखिए, मैंने गैलेक्सी स्टोर पर क्लिक किए, मेरा गैलेक्सी स्टोर ओपन हो गया। अगर दोस्तों आपके पास गैलेक्सी स्टोर ओपन नहीं हो रहा है या फिर अपडेट मांग रहा है, तो आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट डायरेक्टली हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद सेम प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, आपको फिर से गूगल माना पड़ेगा, सेम अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर सर्च में आप टाइप कीजिए गूगल प्ले सर्विस हिडन सेटिंग्स,
देखिए हम गूगल प्ले स्टोर में सिटी सर्फिंग टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद सिर्फ सर्च पे क्लिक कीजिए और नीचे आपका गूगल प्ले सर्विस हिट एंड सेटिंग का एप्लीकेशन चला आएगा। देखिए नीचे देखिए गूगल प्ले सर्विस हिट एंड सेटिंग, थोड़ा इमेज भी देख लीजिएगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है, दूसरा करेंगे तो नहीं होगा। थोड़ा इमेज भी देख के आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, यह आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लॉग साइन इन मांग रहे हैं या फिर कैंसिल मांग रहे हैं, लेटर मांग रहे हैं, तो हम लेटर कर दिए तो ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यह ऐसा आप नॉर्मली इसको ओपन कीजिए और सबसे नीचे से लेकर दो नंबर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, गूगल प्ले सर्विस। इसको जब भी हम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा, पैटर्न या फिर पासवर्ड या फिर पिन। आप किसी भी मेथड का पिन या फिर पासवर्ड दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पैटर्न दिए हैं, चले मेरा पैटर्न वेरीफाई हो गया, दो बार पैटर्न दे दिए। अभी कुछ नहीं करने, आपको सिंपली बैक करके एकदम फर्स्ट पेज में आपको आना है। देखिए हम बैक कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐड चल रहा है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। और एक बार दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है एक वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेहनत लग जाता है। अगर आप इस मेथड को ट्राई करके आप अनलॉक सक्सेस होता है तो प्लीज नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। देखिए सिंपली अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ये वो वेरिफिकेशन ले रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट, सिंपली नेक्स्ट करना है। और आगे जब पासवर्ड मांगेगा या फिर जो पैटर्न मांगेगा, हमने जो पैटर्न दिया है वही मांगेगा। देखिए पैटर्न मांग रहा है, सिर्फ जो पैटर्न आप दिए थे इसको ड्रॉ कर दीजिए और अभी गूगल अकाउंट का स्कीप वाला ऑप्शन नीचे आ जाएगा। आगे तो आपको पता है ही, आगे सिर्फ नेक्स्ट करके मैनुअली जो स्क्रीन है उसको नेक्स्ट करके इसको आपको फोन को ओपन कर लेना है। देखिए स्किप करके हम इसको मेन मेनू में आ रहे हैं। और एक बार दोस्तों अगर आपको ये करने में कहीं पर भी कोई परेशानी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम जरूर आपका कमेंट में आंसर देंगे, या फिर आपका अगर कुछ अलग प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। देखिए मेरा जो फोन है वो फिनिशिंग टच ले रहा है, हम फिर से बता रहे हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर आप ऐसे ही अपडेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और फोन ऑन होने के बाद आपको ये भी दिखाएंगे इसका मॉडल क्या है, इसका वर्जन क्या है, क्या नहीं है। देखिए ये फिर से वो वाला पेज आ गया, कोई नहीं आप नॉर्मली ऐसे उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए दोस्तों मेरा जो फोन है वो प्रॉपरली एक बार भी बाईपास हो चुका है। पूरा वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। देखिए यहाँ पर मॉडल शो हो रहा है, देखिए पूरा मॉडल और डिटेल्स वगैरह बाकी सब शो हो रहा है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।